दोस्तों इस वीडियो में हम कूलर के दो स्विच विदाउट इंडिकेटर वायर्स के कनेक्शन सीखने वाले हैं, काफ़ी सिंपल बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं यहां पर आपको शुरू से एक एक करके इसके वायरिंग के कनेक्शन दिखाऊंगा। बहुत सिंपल तरीके होते हैं जिसमें हम यहां पर फैन मोटर और पानी मोटर की कनेक्शन करेंगे सिंपल दो स्विच के साथ। तो आप सबसे पहले अपने स्विच को देखेंगे, स्विच में हर स्विच में नाम लिखा होता है। तो ये जो नाम लिखा हुआ है ये इसके ऊपर वाले भाग होते हैं और ये जहाँ पर नाम नहीं लिखा है उसके नीचे वाले भाग होते हैं। यानी कि स्विच को आप ऐसे दबाओगे तो आपके जो कूलर्स वगैरह हैं वो स्टार्ट होगा और ऐसे दबेगा तो वो ऑफ हो जाएगा। आप देखिए इसके पीछे की साइड देखते हैं तो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं इसके ऊपर वाले साइड में आपको फैन मोटर्स पानी मोटर्स के वायरिंग कनेक्शंस करने हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है उसमें आप डायरेक्ट बिजली की बोर्ड से कनेक्शंस देना है। काफ़ी सिंपल है फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक सिंपल इसके पीछे की जो स्क्रू होते हैं उसको ढीला कर लेता हूँ और छोटे से वायर के टुकड़े को मैंने इस तरीके से छील कर इसकी जो प्लास्टिक थे उसको अलग कर दिया है। अब उसको मैं यहाँ पर ये जो दोनों वाले पार्ट पे ऐसे लगा देता हूँ। ये देखिए अब सिंपल है, इसको मैं यहाँ से टाइट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको टाइट कर लिया है। ये जो बचे हुए कॉपर है उसको आप कैंची वगैरह से काट के अलग कर दे, साइज छोटा कर लेंगे। ये देखिए तो मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब इसके वायरिंग के कनेक्शन काफ़ी सिंपल होते हैं। इस बोर्ड को मैं यहीं पर रखता हूँ। अब आप देखिए ये जो प्लग में लगाएंगे बिजली की बोर्ड में उसकी एक वायर यहाँ से इस तरीके से उठा लें, इसको थोड़ा और छील लेता हूँ। ये देखिए तो इन दोनों में से कोई भी एक वायर आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला वायर ले लेता हूँ और ये हमारे पास फैन मोटर्स के दो वायर होते हैं, इन दोनों में से भी कोई भी एक वायर आप उठा लें। तो मैं यहाँ से ये वाला वायर उठा लिया। अब ये जो पानी मोटर्स के देखिए इसके भी सिंपल दो वायर होते हैं तो इसके भी एक वायर आप उठा लें। तो मैं यहाँ से एक वायर इस तरीके से उठा लिया। देखिए ये पानी मोटर फैन मोटर्स और ये बिजली की बोर्ड में लगेगा वो वाली वायर, ठीक है। तीनों वायर्स को आपस में अच्छे से ज्वाइंट कर दें। ज्वाइंट करने के बाद हम इसको अच्छे से टैपिंग कर लेते हैं। मैं इस वीडियो में काफ़ी सिंपल बहुत ही आसान तरीके से इसकी वायरिंग दिखाने वाला हूं ताकि आप भी अपने घर पे अपने कूलर्स के वायर हैं उसके वायरिंग कर सकते हो। फिर से यहां पर मैं दिखा देता हूं, इन सब के एक एक वायर मैंने छोड़ दिया है देखिए, और सभी के फैन मोटर्स पानी मोटर्स और ये जो बिजली की बोर्ड में लगेगा उसकी एक वायर हमने तीनों आपस में मिलाकर ज्वाइंट कर दिया है। अब इसकी कनेक्शंस को समझेंगे, बहुत सिंपल बहुत आसान होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो लीड वायर जो कि बिजली की बोर्ड में लगेगा उसके वायर्स को यहाँ से उठाकर ये जो देख पा रहे हैं मैंने नीचे इसके वायर्स की एक लंबी तार लगा दिए हैं वहाँ पर इसको फेट कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं इसको यहाँ से टाइट कर लेता हूँ। फ्रेंड जब भी वायरिंग करेंगे तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोई भी कॉपर की तार यहाँ पर नीचे वाले नट से नहीं टकराए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छोटा सा तार बड़ा हुआ है और यहाँ पर ये टकरा सकता है तो आपको आपके कूलर के बॉडी वगैरह में भी करेंट आ सकते हैं। इसलिए इसको यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा वायर होंगे उसको कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको काट दिया है। अब के वायरिंग को समझे, बहुत सिंपल तरीके हैं। दो पॉइंट बचे हैं तो किसी को किसी भी पॉइंट पर जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देख पा रहे हैं ये फैन मोटर्स के वायर हैं, एक वायर जो बचा है वही वाला, उसको मैं यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लगा देता हूँ। ये देखिए इसको भी ऐसे अच्छे से बैंड कर लेना है। ये भी वायर इसमें जाके जुड़े नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए तो मैंने यहाँ पर फैन मोटर्स के एक वायर इसके ऊपर वाले साइड पर टाइट कर दिया है। अब इसके एक वायर और बचते हैं जो कि इसकी पानी मोटर के होते हैं। तो पानी मोटर के जो वायर है यहाँ पर भी एक पॉइंट बचा हुआ है, वहाँ पर हम इसको लगा देते हैं।
लगाने के बाद अच्छे से टाइट कर लेना है। तो अब आप फिर से एक बार ध्यान से देख सकते हैं, ये पानी मोटर्स के वायर हैं, ये फैन मोटर्स के वायर हैं, और तीनों को वायर आपस में हमने एक साथ ज्वाइंट कर दिया है। ये वाला नीचे में जो लगाए हैं वो है 2 पिन वाली वायर जो कि बिजली की बोर्ड पे लगेगा। चलिए मैं यहाँ से आपको चालू करके स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास जो कनेक्शंस किए हैं वो सही हैं या नहीं है। पर मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे से जमा लेता हूँ ताकि करेंट वगैरह के रिस्क हम नहीं लेंगे। ये जो नाम वाले भाग है उसको मैं इस तरीके से घुमा के रख देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। मैं टूल्स थोड़ा साइड पे रखता हूँ। अब ये जो हमारे पास प्लग वायर है बिजली की बोर्ड पे लगाने वाला, उसको मेरे पास जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें मैं फिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से दिखे। ये देखिए, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो फैन वाले मोटर्स चलने लगे हैं, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। अब ये जो पानी वाले मोटर्स हैं उसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फैन मोटर ऑफ कर दिया, ये पानी वाले मोटर्स चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कूलर के 2 स्विच वाले वायरिंग कनेक्शन बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने ही घर पर कर सकते हो। इस वीडियो से आपके जो है काम बन जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो हम नई जानकारी लेकर।